हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वी हैव कंप्लीटेड टू मेथड टू फाइंड आउट दी टाइप ऑफ एसोसिएशन. फर्स्ट वॉज कंपेरिजन ऑफ ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. सेकंड वॉज प्रपोर्शन मेथड. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, दैट इज यूल मेथड. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वाई इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इन एग्जाम इट्स अ कंपल्सरी यू गेट दिस सम रिलेटेड टू दिस मेथड. ओके, एग्जाम में यूल मेथड ना दाखलो 100% 100 नहीं 200% पूछाई छे, कन्फर्म ज छे. ओके, एवं नहीं कि बे मेथड नहीं पूछा तो एना पण पूछाई छे, बट यूल नो तो कन्फर्म ज छे. ओके, यू विल गेट वन सम रिलेटेड टू यूल मेथड कंपल्सरी. ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड कंप्लीटेड इन टू ओनली वन वीडियो. ओके, फर्स्ट वॉज ओनली वन वीडियो, सेकंड प्रपोजन ऑल्सो कंप्लीटेड इन वन वीडियो. बट यूल मेथड्स देर आर मेनी ट्विस्ट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टेंड. ओके, एले में आपने यूल मेथड बे के टोन वीडियो सुधी यूल मेथड ने समझीशू. सो लेट्स स्टार्ट टूडे द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टंट मेथड, दैट इज यूल मेथड. ओके, सो प्रपोजन. ओके, दिस वॉज यूल मेथड एंड कोऑफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन. नाउ व्हाट इज कोऑफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन? मीन्स हियर यू गेट सम परफेक्ट फिगर, परफेक्ट डिजिट ऑफ एसोसिएशन. लाइक इन अ 12th स्टैंडर्ड वी फाइंड आउट दी कोरिलेशन कोऑफिशिएंट. कोरिलेशन कोऑफिशिएंट मीन्स सहसंबंधांक એટલે કે R. तो आपने आर नी कोई चौक्स वेल्यू मिलती थी, आर नो जवाब आता रहो 0.10 0.25 0.40 वॉट एवर. हियर इन फर्स्ट टू मैटर वी जस्ट नो दैट देर इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन और नेगेटिव और इंडिपेंडेंस. बट इन दिस थर्ड मैटर वी गेट दी डिजिट ऑफ एसोसिएशन, वी गेट दी परफेक्ट फिगर अबाउट दी एसोसिएशन. ओके, सो इन दिस मैटर वी फाइंड आउट दी कोऑफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन. गुजराती में कही है तो गुणात्मक संबंधांक मळशे. जेवी रीते आपने सहसंबंधांक शोधता था, आर शोधता था, तो अहीं गुणात्मक सहसंबंधांक शोधवानो छे. शोर्ट में जो कही है तो, सो इन दिस मैटर देर इज अ परफेक्ट फॉर्मुला. ओके, स्टेटिस्टिक में जो फॉर्मुला आए तो हियर वी अप्लाय सम फॉर्मुला. स्टेटिस्टिशियन यूल हैज गिवन द फॉलोइंग फॉर्मुला ऑफ कोऑफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन. कोऑफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज क्यू. जो 12th धोरण में आपने आर आवतो हतो, ओके, आर ने कहवाय कोरिलेशन ऑफ एसोसिएशन, कोरिलेशन ऑफ कोऑफिशिएंट. ओके, अने जे क्यू छे ने कहवाय कोऑफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन. सो हियर वी अप्लाय दिस फॉर्मुला. वेरी इजी फॉर्मुला, ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी. डिविजन में भी सेम ज छे, माइनस एंड प्लस. एंड डोंट कन्फ्यूज अबाउट दिस बिकॉज इट्स रिमेम्बर इज ऑल्सो सिंपल. हाउ टू रिमेम्बर इट? हियर एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए बी इंटू अल्फा बीटा, देन दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए बीटा इंटू अल्फा बी. ओके, एकदम सिंपली फॉर्मुला याद रहे. नाउ लाइक आर, क्यू ऑलवेज लाइज बिट्वीन माइनस वन एंड प्लस वन. क्यू नो आंसर ऑलवेज माइनस वन थी प्लस वन वच्चे आवशे. इफ क्यू वॉज प्लस वन देट परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन, माइनस वन परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन, जीरो देन इंडिपेन्डंट. ओके, प्लस वन हे तो परफेक्ट पॉजिटिव, माइनस वन हे तो परफेक्ट नेगेटिव, और जीरो हे तो इंडिपेन्डंट. क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मेथड थ्री. सम नंबर 12 ऑफ द चैप्टर, फाइंड यूल्स कोऑफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. एन बी अल्फा एंड अल्फा बीटा इज गिवन. लेट्स कंप्लीट द टेबल. एन वॉज 800, बी 500, अल्फा 450 एंड अल्फा बीटा 260. सो लेट्स फाइंड द रिमेनिंग. हियर 500, 800, वी गेट हियर 300, 300, 260, सो इट विल बी 4800, 450, सो इट्स अ 350, 350, 40, हियर 310, 500 माइनस 310, इट्स अ 190, एंड 190, 260, 450 बैलेंस. ओके, नाउ हियर व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट यूल्स कोऑफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन. हाउ टू आइडेंटिफाई दिस? यू कैन आइडेंटिफाई बाय टू वे. फर्स्ट राइट दिस फाइंड आउट बाय द यूल मेथड, और सेकंड फाइंड आउट कोऑफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन. ओके, बाय दिस टू वर्ड्स यू कैन आइडेंटिफाई दिस मेथड. ओके, तो ओरखवानो याद रखो, यूल कीधो हे का तो फाइंड आउट कोऑफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन कीधो हे. सो हियर वी फाइंड आउट दी क्यू. ओके, अप्लाय दिस फॉर्मुला. ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू
अल्फा बी डिवाइड बाई सेम फॉर्मूला ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी. लेट्स पुट इट्स वैल्यू. ए बी इंटू अल्फा बीटा सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अच्छे 300 इंटू 260 माइनस नाउ हियर 40 इंटू 190 डिवाइड में अपन सेम आ जाओ से 300 इंटू 260 प्लस 40 इंटू 190. 300 इंटू 260 इट वॉज 80,640 इंटू 190 7,600. 80,006 प्लस 7,600 इज हियर 73,000 एंड हियर 88,200. सो द फाइनल आंसर 0.83. ओके क्लियर. जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट क्यू सम इज ओवर. तो वेरी सिंपल सम. जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ओके नाउ सॉल्व वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन दिस मैटर. 13. 3,000 स्टूडेंट्स अपीयर इन FY BCom एग्जामिनेशन. आउट ऑफ डेम 60% आर गर्ल्स. कॉलेज रिजल्ट इज 80%. आउट ऑफ डेम 1,000 आर बॉयज. फाइंड आउट कोऑफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बॉयज एंड सक्सेस. ओके हियर द क्वेश्चन. फाइंड आउट कोऑफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मीन्स क्यू. ओके हियर वी हैव टू फाइंड आउट द क्यू राइट. बट वी हैव टू फाइंड आउट एसोसिएशन बिटवीन बॉयज एंड सक्सेस. नाउ रिमेंबर वेन एवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम्स देर इज अ पॉइंट वी हैव टू एसोसिएशन फाइंड आउट विथ विच ट्रू एट्रीब्यूट. ओके कया भी एट्रीब्यूट क्या भी गुणधर्म वे फाइंड आउट कौन से बॉयज एंड सक्सेस. सो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बॉयज एंड बी इज इक्वल टू सक्सेस. नाउ हियर 3,000 स्टूडेंट अपीयर इन FY BCom एग्जाम. आउट ऑफ देम 60% आर गर्ल्स. तो हियर द सेकंड वाज गर्ल्स एंड बॉयज. ओके ए गर्ल्स देन अल्फा सॉरी ए बॉयज देन अल्फा गर्ल्स एंड बी सक्सेस देन व्हाट विल बी बीटा. इट्स अ फेलियर. हियर कॉलेज रिजल्ट इज 80%. आउट ऑफ देम 1,000 आर बॉयज. नाउ इट्स अबाउट द कॉलेज रिजल्ट. सो रिजल्ट में सक्सेस एटले शू कहेवाशे पास कहेवाशे. ओके सक्सेस मीन्स पास एंड बीटा फेल. ओके इट्स ऑल अबाउट सक्सेस એટલે કે પાસ હશે એટલે સક્સેસ કહેવાશે ધેન બીટા ફેલ. નાઉ લેટ્સ કમ્પ્લીટ ધીસ ટેબલ. 3,000 સ્ટુડન્ટ્સ મીન્સ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3,000. આઉટ ઓફ ધેમ 60% આર ગર્લ્સ. નાઉ 60% ટુ વિચ અમાઉન્ટ વી હેવ ટુ ડુ 60%. કઈ અમાઉન્ટના 60% કરીશું. વેરી સિમ્પલ 3,000 છે. આઉટ ઓફ ધેમ 60% આર ગર્લ્સ. તો જે ટોટલ 3,000 છે એમાંથી 60% ओके 3000 ना 16% એટલે કે 1800 આર ગર્લ્સ. ક્લિયર. ટોટલ 3000 છે. આઉટ ઓફ ધેમ 60% એટલે કે એમાંથી 60% એટલે 3000 ના 60% એટલે કે 1800 આર ગર્લ્સ. ગર્લ્સ મીન્સ આલ્ફા. આલ્ફા 1800. નાઉ કોલેજ રિઝલ્ટ ઇઝ 80%. નાઉ ધ ક્વેશ્ચન વોટ ઇટ્સ મીનિંગ. કોલેજ રિઝલ્ટ 80%. કોલેજ result is 80%. Now what its meaning? Very simple. Okay, news માં આવ્યું હોય કે સ્કૂલ નું 100% રિઝલ્ટ આવ્યું છે એવું તમે સાંભળ્યું હશે. ઓકે there is a 100% in XYZ school in standard 10 or standard 12. Okay, 10 કે 12 માં સ્કૂલ નું 100% રિઝલ્ટ આવ્યું. Now what's meaning of 100% result? 100% result means 100%. It means every student has પાસ્ડ ઇન એક્ઝામ. ઓકે 100% રિઝલ્ટ એટલે કે 100% પાસ થયા છે. નોર્મલ રિઝલ્ટ આવે ઓકે તો કહેવાય છે કે ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 12 ઇન ગુજરાત જીએસબી દેર ઇઝ અ સ્ટાન્ડર્ડ 12 રિઝલ્ટ વોઝ 70%. ઓકે ધોરણ 12 નું ગુજરાતનું રિઝલ્ટ 70% છે. એનો મિનિંગ શું થાય કે 70% પાસ છે. સો યર કોલેજ રિઝલ્ટ ઇઝ 80% મીન્સ 80% સ્ટુડન્ટ પાસ્ડ ઇન એક્ઝામ. ઓકે 80% પાસ થઈ ગયા છે. નાવ હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ આર ધેર? ધેર આર 3,000 સ્ટુડન્ટ. સો હાઉ મચ 3,000 આપણે 80% કરીશું તો 2,400 વોઝ પાસ્ડ. ક્લિયર. સો 80,000 3,000 ના 80% કરીશું એટલે કે 2,400 આર પાસ્ડ ઇન એક્ઝામ. ક્લિયર. નાવ પાસ મીન્સ બી.
सो बी वॉज 2400. आउट ऑफ देम 1000 आर बॉयज. नाउ दिस बॉयज आर ऑल्सो पास बिकॉज रिजल्ट इज 80%, मीन्स 2400 पास. आउट ऑफ देम એટલે કે આ જે પાસ થયા છે એમાંથી 1000 બોયઝ છે, એટલે કે આ કેવા છે, બોયઝ છે અને સાથે સાથે પાસ પણ થયા છે. બીકોઝ આઉટ ઓફ ધેમ એટલે કે આમાંથી આ જે પાસ થયા છે એમાંથી 1000 બોયઝ છે, એટલે કે બોયઝ પાસ થઈ ગયા છે. એટલે 1000 બોયઝ મીન્સ એ એન્ડ પાસ મીન્સ બી, સો ઇટ્સ અ એ બી 1000. ક્લિયર? નાઉ કમ્પ્લીટ ધી રિમેનિંગ ટેબલ. હિયર 1400, હિયર 600, 1200, year 2, and the 4, 14, 4, 18. Now we have to find out coefficient of association means Q. So its formula is very simple. Cross multiplication AB into alpha beta minus A beta into alpha B. Division AB into alpha beta प्लस ए बी, सॉरी ए बीटा इंटू अल्फा बी. लेट्स पुट्स वैल्यू. 1000 इंटू 400 माइनस 200 इंटू 1400. हियर 1000 इंटू 400 प्लस 200 इंटू 1400. 1000 इंटू 400, सो इट विल बी 4 lakh and 28 to 80. So 4 lakh plus 280, here 120, here 680. So the answer was 0.18. Clear? So very simple method, just remember its formula. Now this third method, Euler's method. Okay, in the next video we learned about the twist point. Okay, now in still this sixth video you get some normally easy point, but now there is a twist point will be started in the chapter. Okay,